सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ब्रेसेस पकड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। कुछ 75 mm का है, 50 mm एंड 25 mm। इनको हम हेक ब्रेसेस बोलते हैं। जो लोग इन ब्रेसेस के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि इन ब्रेसेस का यूज़ हम वॉश टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको वाटर कलर पेंटिंग में ज़्यादा एरिया कवर करना है, मतलब एक कम टाइम में आपको बड़ा एरिया कवर करना है, तो आप इन ब्रेसेस की हेल्प से कर सकते हो। और कुछ लोग इन ब्रेसेस के थ्रू वार्निश भी यूज़ करते हैं। तो सबका अपना अपना यूज़ है, तो जैसे आपको लगता है उस तरीके से कर सकते हो इनका यूज़। और ये मॉन्ट मार्ट के गोट हेयर ब्रशेज हैं, जिसमें हेयर यूज़ किया गया गोट हेयर है, और जो इसकी वुड है ये पाइन वुड है। ओके, सो मैंने भी न्यू परचेज किए हैं, तो देखते हैं कि कैसी पेंटिंग बनती है वाटर कलर में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। सो अभी मैं तो सबसे पहले मैं 50 mm के ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पेपर को वेट कर लेंगे। और अभी जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये चित्रपट पेपर है 270 GSM, और काफ़ी अच्छा पेपर है। सो अभी देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। सबसे पहले अगर आपको अपनी पेंटिंग में सॉफ्टनेस देनी है, तो अच्छे से आप पेपर को वेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग कलर्स को डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, सो वो डिपेंड कर, सबका अपना अपना एक है, हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक वो है। तो आपको जैसा लगता है अपने हिसाब से पेपर को वेट करके जब हम काम करते हैं, तो पेपर देर तक थोड़ा वेट रहता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा भी होगा हमारी पेंटिंग बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उसका रीजन ये भी होता है कि अगर हम डायरेक्टली कलर अप्लाई करते हैं तो वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अगर हम एक वाटर का बेस लगा दें, तो उससे क्या होगा, पेपर देर तक वेट रहेगा, जिससे कि हम वेट ऑन वेट बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हो। और अभी मैं इसमें क्रिम्सन रेड की एक लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्काई में थोड़ा क्लाउड इफेक्ट देने के लिए। सो पहले एक हल्का सा एक वॉश टाइप ग्रेडियंट वॉश, डार्क टू लाइट, आप देख सकते हो इस वे में क्रिम्सन रेड विद स्कारलेट रेड मैंने यूज किया है फॉर दिस शेड। बहुत ही हल्का सा, ऐसा नहीं कि आपको, और देखिए सबका अपना अपना एक वो होता है कि कौन कैसे क्या क्लाउड बनाता है, वो डिपेंड करता है। और अभी जो मैंने यूज किया 25 mm ब्रश और इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब देखो कितनी अच्छी बात हुई, अगर आप कोई राउंड ब्रश यूज करते या कुछ, चलो 10 नंबर का आप अगर फ्लैट ब्रश भी यूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते हो। सो एक प्रॉब्लम वो आती है। तो अभी मैंने इसके थ्रू कितनी स्पीड में एरिया कवर हो गया। और अभी मैंने एक शेड बना के रखा है, जिसे मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू विद ब्रंट अम्बर यूज किया है फॉर क्लाउड इफेक्ट। ठीक है, सो ठीक है स्टार्ट करते हैं, और कितना बढ़िया इफेक्ट आएगा आप देखना। ये पेंटिंग जस्ट फॉर एक डेमो मैं करके देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और आप लोग इस पेंटिंग को ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आप लोगों से कितना बन रहा है। जो भी ब्रशेज आपके पास, आप उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा। जरूरी नहीं कि ये ब्रश नहीं है तो पेंटिंग नहीं बन पाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने परचेज किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि कैसा इफेक्ट आता है। सो ट्राई करके ही देख रहा हूँ पेंटिंग, जस्ट फॉर ट्राई। ओके, और जितना डार्क कलर आपको बनाना है अपने हिसाब से उसको देख सकते हो इस वे में। जो कलर मैंने शेड यूज किया है ब्रंट अम्बर विथ अल्ट्रामरीन ब्लू, सो आपको इसमें इफेक्ट दिख रहा होगा कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। और क्लाउड बनाने का भी अपना ही एक मजा है, वही है कि प्रैक्टिस तो देखिए चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार वाटर कलर ट्राई कर रहे हो, आप एकदम से मास्टर क्लाउड बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मैं इतने टाइम काम किया है, तो टाइम लगता है बनाने में चीजों को। आपको एक डेप्थ दिख रही होगी इसमें, कितना एक इफेक्ट कितना अच्छा आपको दिख रहा होगा, एक क्लाउडी इफेक्ट, बहुत ही साइन वाला फील आप सभी को। जितना आप क्लाउड डार्क करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा उसमें। देखिए एक ही ब्रश के थ्रू कितना बढ़िया, आप ऐसा नहीं कि मैं 10 ब्रशेस लिए हैं, मैं 10 ब्रशेस को अलग अलग वे में यूज कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो भी इफेक्ट दिख रहा है सबको अच्छा लग रहा होगा देखने में। जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसा भी लगा हो। और आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ देख लो उससे कुछ सीखने वाला पार्ट कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे। देखो क्लाउड कोई शेप नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जो मैं बना रहा हूं वही कॉपी करना, या कुछ लोग की सोच ये है कि नहीं क्लाउड ऐसे ही होते हैं। अगर हम किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं, किसी के वर्कशॉप भी ले रहे हैं, तो अगर वैसा क्लाउड नहीं बनता, देखो वाटर है, कलर है, कितना स्प्रेड होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। एक आर्टिस्ट जिसका एक्सपीरियंस है उसको मालूम है कि वो कितना इफेक्ट डाल सकता अपनी पेंटिंग में, कितना स्प्रेड होगा ये उसको भी मालूम है सारी चीजें। तो अभी देखो कितना अच्छा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो अब आप लोग देख सकते हो कितना इफेक्ट, कितने सॉफ्टनेस दिख रही है क्लाउड में, अगर आप देखो ध्यान से। ओके सो अभी नेक्स्ट हम कुछ ट्रीज के शेड बना लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूं अल्ट्रामरीन ब्लू विद स्कारलेट रेड। ओके देखो सबका अपना अपना एक काम करने तरीका होता है, अब मैं इस हिसाब से काम कर रहा हूं। ओके वही कि आप अपनी चॉइस हिसाब से अपना वर्क देख सकते हो, कैसा कितना डिटेलिंग करनी है, जितना टाइम है आप उसके हिसाब से वर्क कर सकते हो। बस ऐसे ही इफेक्ट देखो, हल्का देखो स्मॉल स्मॉल ग्रास आपको दिख रही होगी, मतलब कि एक ब्रश के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। कुछ के लिए मैं कुछ मॉप ब्रश यूज करूंगा, कहीं थोड़ा ज्यादा डार्क करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, बट अभी जितना हो सकता है इससे तो उतना तो हम ट्राई कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। आप देखो तो सबको एक फील तो दिख ही रहा होगा पेंटिंग में। जैसे जैसे ये डार्क होगा उतना ही बैकग्राउंड बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम ज्यादा बड़े ब्रश के थ्रू ज्यादा डार्क नहीं कर सकते हैं। सो मैं उसके लिए मॉप ब्रश यूज करूंगा। सो एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कैसे हम किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं एक बेस दे करके। नॉर्मली देखो जितना डार्क होगा उतना बहुत अच्छा इफेक्ट बैकग्राउंड निकल के आएगा। ये पेंटिंग मेमोरी से ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो बनता है देखा जाएगा कि क्या इफेक्ट निकल के आता है। बट इससे आपके लिए बहुत कुछ सीखने वाली चीज है, अगर देखा जाए तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जो माइंड में आ रहा मैं बनाता जा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, जो बनता आ रहा है ठीक है बनाते जा रहा हूं। एक अच्छे आर्टिस्ट क्वालिटी यही है कि उसको मेमोरी से भी बनाना आना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है ठीक है, कि कुछ भी आप क्रिएट करो देखो कलर चला के क्या बनता है। हम लोग पहले डरने लगते हैं कि अरे यार पेंटिंग कैसे बनेगी, खराब हो रही है, खराब कुछ नहीं होता है ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो खराब है, जो नेचुरल है, हर चीज अच्छी होती है, आप उसको अच्छा कर सकते हो। बस हम पहले अगर सोच लें कि यार खराब है तो फिर खराब है, उसका फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने सोच ही लिया है कि वो चीज नहीं हो पाएगी तो फिर नहीं हो पाएगी, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो आपको सोचना है कि आप कितना बेस्ट कर सकते हो। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि प्लीज अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से ठीक है। जो आप कर लेते हो वो आपका बेस्ट है ठीक है। तो वो मेरा कहने मतलब है, क्योंकि सबसे पहले लोग तो यही सोच लेते हैं अरे यार उसका काम बहुत अच्छा है, मेरा तो है नहीं। ये सब चीज नहीं सोचना है,
बस सोचना है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, जितनी जर्नी आपने आर्ट की तय की है उसके हिसाब से आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, ये एक सोचने वाली बात है ना। उम्मीद करता हूं आपको एटलीस्ट मेरी बातें समझ में तो आ रही होंगी। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वो ट्री का शेप तो कैसा भी हो सकता है, जब हम मेमोरीज कुछ बनाते हैं तो कुछ भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ, ठीक है। सो अभी थोड़ा बेस के लिए मैं ले रहा हूं सैप ग्रीन विथ ब्रंट अम्बर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी लाइव क्लास तो देखते ही होंगे। सो लाइव क्लास में बहुत सारी चीजें बताता हूं मैं, जो लोग देखते होंगे शायद, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे सो उनको पता ही होगा कि किस तरीके से क्लासेस होती हैं। सो अभी देख सकते हो इफेक्ट, किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है इसमें, मतलब एक आर्टिस्ट के पैच लगाने समझ में आ जाता है कि क्या इफेक्ट आ सकता है पेंटिंग में। देखो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, अगर एक ब्रश के थ्रू देखो कितनी बढ़िया एक रफनेस जो निकल रही है ना पेपर पे, वो देख कितना मजा आ रहा है। अगर देखो आप लोग भी, लेकिन एक बार में क्या मतलब बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग को, वो 10 ब्रशेस रखते हैं एक पेंटिंग को बनाने के लिए, लेकिन जितने आप कम टूल्स यूज करोगे ना उतना आप स्पीड में काम करोगे। ये आप ट्राई करके देखना, आपको लगता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप खुद ट्राई करके देखना, जितने कम आप टूल यूज करोगे उतनी जल्दी आप पेंटिंग क्रिएट कर दोगे, ये एक रियलिटी है। अब आप लोग ना, जो लोग मान सकते हैं अच्छी बात, जो नहीं मान सकते उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बट एक बात बता रहा हूं मैं। देखो इसमें एक बेसिक पेंटिंग है, जो मेमोरी में आ रहा वो बनाता जा रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या बनेगा बट, लेकिन आपको ऐसे समझ में तो आ रहा है ना कि सर क्या बनाना चाहते हैं। थोड़ा क्लीन वाटर में यहां अप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वाटर इफेक्ट देने के लिए, मींस रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। देखो हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब उस बेस्ट पार्ट को वो लोग सामने कैसे शो करता है ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये है, काम करते जाओ, ये मत सोचो कि कितना अच्छा कितना खराब, ये सब कभी सोचना ही नहीं है। अगर इसमें पड़ जाओगे तो फिर कभी आप आर्ट नहीं सीख पाओगे। ये सोचो कि कोई बात नहीं, मैं तो कभी ये सोचता ही नहीं हूं कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं कभी सोचते, मुझे लगता है नहीं यार बहुत कुछ सीखना है, ये तो बस अभी स्टार्टिंग है। अगर ऐसी थिंकिंग आप रखोगे ना तो लाइफ में मतलब कि आप बहुत आगे जाओगे, अगर इस तरीके अगर आप सोच रखते हो। जो कितना एक अच्छा इफेक्ट अगर आप देख सकते हो, कितना एक बढ़िया फील आ रहा है। थोड़ा रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा कुछ शेड हल्का हल्का, जितना आप पेशेंस के साथ काम करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जैसे ऊपर फील दिख रहा है बस नीचे की ओर आप ऐसे उस तरीके से क्रिएट कर दो।
ये मत सोचो कि अरे अच्छा नहीं बन रहा, खराब या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो बनता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री हो के। सो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से पैचेस अप्लाई कर रहा हूं, किस वे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखा भी, मैं आउटडोर भी करता हूँ, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं या जो इस तरीके से, तो वो देखते होंगे मैं आउटडोर की वीडियोस भी डालता हूँ या इस तरीके से, जब भी मतलब मौका लगता है जाता जरूर हूँ। ठीक है, सो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आउटडोर भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जब से आउटडोर करने लगा तब से इंडोर में काम करने का मजा आता ही नहीं बिल्कुल भी। सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अभी आप इस तरीके से देख सकते हो कि कैसे मैंने बनाया, बस एक नॉर्मल कुछ भी जो भी माइंड में आ रहा है ट्राई कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। जो भी ऐड करना है आपको मेमोरी से, कुछ भी आप मतलब ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डार्क में इसलिए कर रहा हूँ इससे कि आपको एक उसका जो बेस है वो समझ में आए और वाटर वाला इफेक्ट अलग से दिखे आपको। अभी आप देख सकते हो एटलीस्ट एक पैटर्न समझ में तो आ रहा होगा, करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है वाटर कलर पेंटिंग। मतलब अगर आप ऐसे भी कर लेते हो काम तो तब भी मतलब बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना बहुत जरूरी है, बिना ट्राई के देखो चीजें नहीं आएंगी। अपने नेल से थोड़ा स्क्रैच कर रहा हूं, अगर कुछ बनेगा तो हल्का सा मैं रिफ्लेक्शन नीचे की ओर दे देता हूँ, जिससे कि बाद में ऐसा ना हो कि वो थोड़ा ड्राई इफेक्ट है। सो अभी आप देख सकते हो कि एक कम टाइम में एक बस बेसिक एक पेंटिंग कैसे बना सकते हो, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इतना भी आप ट्राई कर लेते हो, और मैं सबसे यही बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग ट्राई जरूर करना पेंटिंग को, कि जिस तरीके मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी आप देख सकते हो एक फील कितना, स्टार्टिंग में जब बनाते हैं समझ नहीं आता क्या बनेगा, लेकिन जब कोई चीज बनती आती धीरे धीरे करके तो एक इफेक्ट निकल के आ जाता है, लगता है कि हाँ यार कुछ तो एटलीस्ट अच्छा हो गई। और अभी ये एक लाइनर ब्रश मैं यूज कर रहा हूं, और अभी आप लाइनर ब्रश देख सकते हो कि ये मेरे नाम से है, अभी मार्केट में नहीं है, बट आपको कुछ टाइम बाद आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं वाटर कलर की, सो जिसमें क्या कहते हैं कि आप लोग वाटर कलर पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। देखो एक होता है ना कि हम डायरेक्टली पेंटिंग सीखें, और एक होता है कि उस पेंटिंग को बनाने का मेथड क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है, तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक वाटर कलर पेंटिंग नेचर से पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप वाटर कलर लर्न कर पाओगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। सो उसके पहले आपको बहुत सारी चीजें हैं, एक पेंटिंग बनाने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं अपनी क्लास में बताता हूँ,
जिन लोग को अगर ज्वाइन करना है वो कोर्स, तो आप मेरा चाहो तो व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो जिसको स्केचिंग का कोर्स या वाटर कलर का कोर्स ज्वाइन करना है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये है कि, और जो उस कोर्स की डिटेल्स मैं आपको पर्सनली बता दूंगा जिन लोग को करना है अगर, ठीक है, क्योंकि कोर्स का अपना एक फायदा होता है, हम डायरेक्टली कोई चीज सीखते हैं तो बस उसको हम देख के एंजॉय तो कर सकते हैं लेकिन उसमें बस हम कर नहीं पाते, लेकिन अगर उस चीज को हम बेसिक से सीखें स्टेप बाय स्टेप तो वो हमें काफी हेल्प करती है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से एक फील तो देखो दिख ही रहा है ना, क्या किया मैंने कुछ भी, बहुत ही सिंपल पेंटिंग, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने वाला भी है इसमें, अगर आप देखो ध्यान से तो बहुत कुछ सीखने वाली चीजें भी हैं। सो ये है कि अब आपको सोचना है कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है कब कितने हद तक आप कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि आप पे डिपेंड नहीं करता है। और मैंने हेक ब्रश के यूज दिखा तो दिया कि क्या क्या कर सकते हो, मतलब कम टाइम में आप क्या क्या बिग अचीव कर सकते हो, ओके, तो वो चीज मैंने आपको बताई है। और थोड़ा कंपोज करने के लिए मैंने इस ट्री को साइड में बनाया है, कभी भी कोई भी चीज सेंटर में नहीं बनाई जाती, अगर आप सोचो कि ये ट्री सेंटर में आ जाए तो वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से वो सही मेथड नहीं है। शायद जिन लोगों ने आर्ट का कोर्स कर रखा है उनको मालूम होगा कि क्या होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन सिर्फ फिगरेटिव पार्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो जब कभी क्लास होगी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एटलीस्ट अगर हमें वाटर कलर पेंटिंग करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है खासकर। जस्ट एक बेसिक साइड डेमो है, सीखने वाला पार्ट बहुत कुछ है इसमें, अगर आप देखो सीखने वाली चीजें बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अब उसको आप कैसे देख पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। जैसा भी लगा हो आप ट्राई कीजिएगा, मेरे को भेजिएगा, बस एक बेसिक सा मैंने आपको काम करके दिखाया है, ठीक है। जैसा भी लगा हो आप ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। और इसकी फोटो क्लिक करके मैंने आपको आपको नंबर तो बताया ही अपना, तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को ये काम करके भेज सकते हो। थैंक यू सो मच सभी को, और फिर देखते हैं, उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे कुछ क्लासेस हुआ करेंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच सभी को एंड बाय बाय, फिर उम्मीद करता हूं मिलते हैं अगली क्लास में, ओके फिर बाय।